Hello, students. Welcome back to your social science class. Today, we will start our third chapter of economics Poverty as a Challenge. In this chapter, we will learn about the concept of poverty and how poverty is a challenge for our country. What measures have been taken by the government to remove poverty from our society? Topics कवर्ड हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे मीनिंग ऑफ पवर्टी इश्यूज़ रिलेटेड टू पवर्टी सोशल एक्सक्लूजन वलनरेबिलिटी पवर्टी लाइन फैक्टर्स रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ पवर्टी लाइन कॉजिस ऑफ पवर्टी एंड एंटी पवर्टी मेजर्स लेट्स विद अवर फर्स्ट टॉपिक मीनिंग ऑफ पवर्टी पवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर पवर्टी का मीन्स है भूख और आवाज की कमी घर की कमी इट आल्सो इंक्लूड्स पेरेंट्स कैन नॉट सेंड दियर चिल्ड्रन टू स्कूल और सिख पीपल कैन नॉट अफर्ड ट्रीटमेंट पवर्टी का मीन्स ये भी होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते और सिख पीपल ट्रीटमेंट अफर्ड नहीं कर सकते मतलब जो बीमार लोग हैं वो अपना इलाज नहीं करवा पाते और जो पुअर पीपल हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते तो उसको भी पॉवर्टी में इंक्लूड किया जाता है इट ऑल्सो मीन्स लेको फॉर रेगुलर जॉब एट मिनिमम डिसेंट लेवल इसका अर्थ ये भी है कि जो पुअर पीपल होते हैं वो न्यूनतम आय दर पर नियमित रोजगार या नियमित रेगुलर जॉब उनको नहीं मिलती रेगुलर जॉब का अभाव है अबव ऑल इट मीन्स टू लिव विद ए सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस इन सब के बावजूद पवर्टी का जो मतलब है पवर्टी से अभिप्राय है बेबसी की भावना के साथ जीना लाचारी की भावना के साथ जीना इट्स ऑफिशियल डेफिनेशन इज पवर्टी की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग जीने का जीवन निर्वाह का जो न्यूनतम स्तर है रेदर देन ए रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग एक उचित स्तर से रहने की बजाय जीवन का एक न्यूनतम निर्वाह का स्तर है उसको पवर्टी कहा जाता है पवर्टी यूजली द लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजम्पन आर यूज टू डिफाइन पवर्टी पवर्टी को लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पन से डिफ़ाइन किया जाता है इन इंडिया पवर्टी कैन बी डिफाइंड एज द लैक ऑफ कॉमन थिंग्स लाइक फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर सेफ ड्रिंकिंग वाटर मेडिकल केयर एंड एजुकेशन विच डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया में पवर्टी को डिफाइन करने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ के डिटर्मिनेशन को देखा जाता है अगर लोगों की बेसिक नीड्स फ़ूड शेल्टर और क्लोथ की बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता मेडिकल केयर नहीं मिलती एजुकेशन नहीं मिलती तो उसे पुअर पीपल कहा जाता है वो लोग गरीब हैं पवर्टी हैज़ बोथ डाइमेंशंस एक्नॉमिकल एंड सोशल पवर्टी के दोनों डायमेंशंस हैं इकनॉमिकल और सोशल पवर्टी को इकनॉमिक लेवल से और सोशल लेवल दोनों से डिटरमाइन किया जाता है डायमेंशंस ऑफ पवर्टी डायमेंशंस ऑफ पवर्टी में हम वही पॉइंट लिखेंगे लैक ऑफ शेल्टर लैक ऑफ फूड लैक ऑफ एजुकेशन लैक ऑफ बेसिक ट्रांसपोर्टेशन लैक ऑफ एबिलिटी टू पे ऑफ डेप्स लैक ऑफ गुड हेल्थ एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ईशूज़ रिलेटेड टू पवर्टी पवर्टी के कारण कौन कौन से ईशूज़ क्रिएट होते हैं पवर्टी की वजह से सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है साइज ऑफ़ फैमिलीज़ इंक्रीज़ होती हैं पवर्टी की वजह से पुअर हेल्थ और माल न्यूट्रिशन चाइल्ड लेबर हेल्पलेसनेस लैंड लैंड लेसनेस ये इश्यूज़ हैं जो पवर्टी की वजह से क्रिएट होते हैं इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अदर इंडिकेटर्स ऑफ पवर्टी पवर्टी के कुछ और इंडिकेटर्स भी हैं ना पवर्टी इज़ लुकड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक लिटरेसी लेवल लैक चुनिटीज लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एटसेट्रा पहले तो पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए बेसिक नीड्स को देखा जाता था कि अगर कोई पर्सन अपनी बेसिक नीड्स फूड शेल्टर और क्लोथ की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो पुअर पर्सन है पर अब पवर्टी को देखने के लिए कुछ और इंडिकेटर्स भी इंक्लूड किए गए हैं वो हैं लेवल लैक टू एक्सेस टू हेल्थ केयर लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एट्सेट्रा नाउ डेज द कंसेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन इज बिकमिंग वेरी कॉमन इन द एनासिस ऑफ पवर्टी अब इन दिनों में पवर्टी को एनालिस करने में जो एक कंसेप्ट है सोशल एक्सक्लूज़न का वो काफ़ी कॉमन हो चुका है सोशल एक्सक्लूज़न का मीन्स सोशल एक्सक्लूजन मीन्स जनरली पुअर आर एक्सक्लूडेड इन द कम्युनिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल जो गरीब लोग होते हैं उनको बेटर ऑफ पीपल्स की कम्युनिटी से सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है जो लोग अपर कास्ट से या जो लोग रिच होते हैं अबोव पवर्टी लाइन होते हैं उन लोगों से पुअर पीपल्स को अलग कर दिया जाता है उनकी कम्युनिटी अलग कर दी जाती है इसे सोशल एक्सक्लूज़न कहा जाता है वलनरबिलिटी वलनेबिलिटी मीन्स डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल्स ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स वलनरेबिलिटी का मीन्स होता है कि जो लोग पहले से ही पुअर हैं पहले से ही गरीब हैं उनके आने वाले ईयर्स में भी गरीब रहने की संभावना की जाती है कि ये बाद में भी गरीब ही रहेंगे द पीपल फ्रॉम बैकवर्ड कास्ट इंडिविजुअल्स लाइक विडोज़ फिजिकली हैंडी कैप्ड आर मोर मोर वलनरेबल जो लोग बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं इंडिविजुअल्स पीपल होते हैं जैसे विडो फिज़िकली हैंडी कैप पीपल होते हैं वो ज़्यादा वलनरेबल पीपल होते हैं उनके लिए यह संभावना की जाती है कि अगर ये आज गरीब हैं तो आने वाले सालों में भी ये गरीब ही रहेंगे दे प्रोजेस इज ग्रेट रिस्क एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन लोगों को नेचुरल डिज़ास्टर्स के टाइम पे ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है नेचुरल डिज़ास्टर इनके लिए ज़्यादा रिस्की होते हैं वलनरेबल ग्रुप्स पॉवर्टी एंड ऑक्यूपेशन बोथ आर को रिलेटेड एंड ऑक्यूपेशन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल इंक्लूड एग्रीकल्चरल एंड कैजुअल लेबर्स द एससीज एस टीज़ एंड द फिज़िकल चैलेंज जो ज़्यादातर पुअर पीपल होते हैं उन में एग्रीकल्चरल लेबर्स को कैज़अल लेबर्स को और वो पीपल जो एस सी या एस टी कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिज़िकली चैलेंज पीपल होते हैं वही पुअर पीपल होते हैं पवर्टी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड सबसे ज़्यादा जो पुअर पीपल होते हैं वो शेड्यूल कास्ट से सॉरी शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उसके बाद रूरल एग्रीकल्चरल लेबर्स होते हैं और थर्ड नंबर पे होते हैं एवरेज इंडियन पवर्टी रेशो जो या तो फिज़िकली चैलेंज्ड होते हैं या फिर जो लोग जो अकेले रहते हैं वट इज़ पवर्टी लाइन पॉवर्टी लाइन इज द लाइन विच इंडिकेट द लेवल ऑफ़ परचेजिंग पावर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द मिनिमम नीड्स ऑफ अ पर्सन पॉवर्टी लाइन इज द लाइन पॉवर्टी लाइन वो लाइन होती है विच इंडिकेट द लेवल ऑफ परचेजिंग पावर जो परचेजिंग पावर के लेवल को शो करती है रिक्वायर्ड टू सैटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ ए परसन जो एक पर्सन की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जो परचेजिंग पावर जरूरी होती है पॉवर्टी लाइन उस लाइन को इंडिकेट करती है इट रिप्रजेंट द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द मिनिम मिनिमम लेवल ऑफ ह्यूमन नीड्स ये ह्यूमन नीड्स के मिनिमम लेवल को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है द लाइन डिवाइडिड पीपल इंटू टू ग्रुप्स पवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग पीपल्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है अबव पवर्टी लाइन एंड बिलो पवर्टी लाइन जिन लोगों की परचेजिंग पावर मिनिमम नीड्स को सेटिस्फाई करने के लेवल से ज़्यादा होती है उन्हें अबव पवर्टी लाइन रखा जाता है उन्हें ए पी एल कहा जाता है और जिन लोगों की परचेजिंग पावर मिनिमम लेवल से कम होती है परचेजिंग पावर के मिनिमम लेवल से कम होती है उन्हें बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाता है इट इज बेस्ड ऑन इनकम और कंजम्पशन लेवल पॉवर्टी लाइन को इनकम और कंजम्पशन दोनों लेवल पर आधारित बनाया जाता है पर्सन इज कंसीडर्ड पुअर उस पर्सन को पुअर कंसीडर कर दिया जाता है इफ़ हिज़ और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल नसेसरी टू फुलफ़िल द बेसिक नीड अगर उनकी इनकम का लेवल उस मिनिमम लेवल से भी नीचे चला जाता है जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी पॉवर्टी को डिटरमाइन करने के लिए कुछ बेसिस हैं जो है फूड रिक्वायरमेंट क्लोथिंग फुटवेयर फ्यूल लाइट एजुकेशन मेडिकल रिक्वायरमेंट्स इन सबकी नीड्स को मनी वैल्यू में इंक्लूड कर लिया जाता है और और कंजम्पशन लेवल को मिनिमम लेवल में डिसाइड कर दिया जाता है अगर किसी पर्सन की इनकम इन मिनिमम नीड्स को पूरा करने के लिए सफिशेंट होती है तो उस पर्सन को अबव पॉवर्टी लाइन कहा जाता है और अगर कोई पर्सन इन नीड्स को पूरा नहीं कर पाता इतना नहीं कमा पाता कि वो इन बेसिक नीड्स को पूरा कर सके तो उसे अब सॉरी बिलो पॉवर्टी लाइन कंसिडर किया जाता है एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी वर्टी को किस तरह से एस्टीमेट किया जाता है द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया वाज अराउंड 55 परसेंट इनटीन सेवेंटी थ्री विच डिक्लाइन टू थर्टी सिक्स परसेंट इनटीन नाइनटी थ्री एंड फर्दर टू इन टू इंडिया में जो पॉवर्टी का लेवल था वो फिफ्टी फाइव परसेंट था नाइनटीन सेवेंटी थ्री में बाद में जो पवर्टी के परसेंटेज हैं वो कम होकर थर्टी सिक्स परसेंट रह गए थे नाइनटीन नाइन्टी थ्री में और टू थाउजेंड में आगे चल के ये ट्वेंटी सिक्स परसेंट रह गए थे पवर्टी इन इंडिया इज रिड्यूस्ड परसेंटेज वाइज इंडिया में जो पॉवर्टी है वो परसेंटेज वाइज तो कम हुई है बट नंबर वाइज इट इज़ यूज पर नंबर्स के अकॉर्डिंग ये बड़ी है सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वेलरेबल टू पवर्टी समाज के वो ग्रुप जिनमें पवर्टी ज़्यादा पाई जाती है वो कौन कौन से हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड्स जिन्हें हम एस सी और एस टी बोलते हैं मोस्टली वही पीपल पुअर पीपल होते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटी सब जगह पे पॉवर्टी सेम नहीं है स्टेट वाइज भी इनमें डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती हैं कुछ स्टेट पुअर हैं बहुत ज़्यादा पुअर हैं जहाँ पे पॉवर्टी का की जो परसेंटेज है वो अधिक होती है और कुछ कुछ जो स्टेट हैं वहाँ पे पुअर पीपल्स की संख्या कम होती है द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट पुअर पीपल्स का जो प्रोपोर्शन है वो हर स्टेट में सेम नहीं है इन ट्वेंटी स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज़ द पवर्टी रेशो इज़ लेस देन द नेशनल एवरेज हमारी कंट्री के ट्वेंटी स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज़ में पवर्टी का जो रेशो है वो नेशनल एवरेज से कम है ओडिशा एंड बिहार आर द पोरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विद पवर्टी रेशो ऑफ फोर्टी सेवन परसेंट एंड फोटी थ्री परसेंट रिस्पेक्टिवली बट उड़ीसा और बिहार हमारी कंट्री इंडिया के सबसे गरीब स्टेट हैं उड़ीसा में फोर्टी सेवन परसेंट पवर्टी रेशो है और बिहार में फोर्टी थ्री परसेंट लोवेस्ट इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर विद पॉवर्टी रेशियो ऑफ जस्ट थ्री पॉइंट फाइव परसेंट सबसे कम गरीबी जम्मू और कश्मीर स्टेट में है जो थ्री पॉइंट फाइव परसेंट है तो इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ में हम आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश असम उत्तर प्रदेश बिहार एंड उड़ीसा आर काउंटेड इन बैकवर्ड स्टेट्स एंड देयर पॉवर्टी परसेंट इज मोर देन अदर स्टेट्स इन स्टेट्स को बैकवर्ड स्टेट्स में काउंट किया जाता है और इन स्टेट का जो पवर्टी परसेंटेज है वो दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में अधिक है महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तमिलनाडु गुजरात वेस्ट बंगाल आर मेकिंग प्रोग्रेस इन स्टेट्स में प्रोग्रेस हो रही है एंड पवर्टी हैज़ रिड्यूस्ड इन दीज डेज और इन दिनों में पवर्टी कम हो गई है इन पंजाब एंड हरियाणा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हैज़ ब्रॉड ट्रेमेंडियस चेंज पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चरल सुधार होने की वजह से तेजी से चेंज हुए हैं इन केरला विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दिस स्टेट हैज़ इम्प्रूव इन इट्स इकोनॉमिक सिचुएशन केरला में ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट होने के कारण इन स्टेट में इकोनॉमिक सिचुएशन इम्प्रूव हुई है इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स हैव बीन हेल्पफुल इन रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स हुई हैं जिस कारण से पॉवर्टी रिड्यूज़ हुई है पवर्टी रेशो इन इंडियन स्टेट्स यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ सबसे ज़्यादा पॉवर्टी यहाँ पे बिहार में उसके बाद उड़ीसा में सबसे कम केरला में उसके बाद हिमाचल प्रदेश पंजाब आंध्र प्रदेश दिल्ली हरियाणा तमिलनाडु पॉवर्टी रेशो इन सिलेक्टेड इंडियन स्टेट्स अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड फिफ्टीन टू सिक्सटीन